आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी का एक ऐसा सपना जो तैयार होता हुआ और पूरा होता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के सामने। 100 करोड़ की लागत से ये बिल्डिंग जो है वो तैयार हो रही है। ये मेडिकल कॉलेज 75% काम जो है इस मेडिकल कॉलेज का कंप्लीट हो चुका है। 2018 जून 2018 में इसका काम शुरू हुआ था। 18 जून 2021 तक लगता है कि शायद ये बिल्डिंग जो है वो तैयार होकर जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले कर दी जाए। ये बिल्डिंग मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आपको कि ये दिखाएगा आपको कि ये बिल्डिंग कितनी बड़ी बिल्डिंग है और इस थोड़े से अरसे में 2.5 या 3 साल का अरसा जो है उसमें इस बिल्डिंग पर कितनी मेहनत की गई, किस तरह से इस बिल्डिंग को जो है वो तैयार किया गया। आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे ब्लॉक है ये इस बिल्डिंग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक आ गया, जहाँ पर डॉक्टर जो है वो बाज़ब्ता जो है बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। मेरे बिल्कुल सामने, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखाएंगे, सामने जो है वो हॉस्टल जो है गर्ल्स हॉस्टल जो है वो बन रहे हैं। उसकी दूसरी साइड जो है नॉन टीचिंग स्टाफ का जो है वो हॉस्टल वहाँ पर बनने जा रहे हैं। इस बिल्डिंग के बैक साइड में जो है वो बॉयज़ हॉस्टल बनने जा रहे हैं, बॉयज़ हॉस्टल जो है वो बनने जा रहे हैं। ये बिल्डिंग जहाँ पर तैयार होकर हर साल 100 बच्चों को जो है वो डॉक्टरी ट्रेनिंग नसीब होगी यहाँ पर, ये खिताई चिनाब के लिए एक ऐसा तोहफा है जो शायद पहले जो है खिताई चिनाब के लोगों ने कभी नहीं देखा। ये खिताई चिनाब के लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से जो है लोगों को दी जा रही है। जहाँ पर एक तरफ से हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की बात कर रहे हैं, तो वहीं हम दूसरी बात ये भी करना यहाँ पर मुनासिब समझेंगे कि ये बिल्डिंग जो बनाई जा रही है ये घाट का एरिया है, डोडा से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये पड़ता है। यहाँ के लोगों ने भी इस ज़मीन को जो है मेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो दे दी है, जिसकी वजह से ये मेडिकल कॉलेज जो है वो तैयार हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से फिर से आपको कहूँगा कि वो आपको दिखाएगा। ये बिल्डिंग जो है यहाँ न सिर्फ डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि यहाँ पर जो है वो रिसर्च का काम भी होगा। नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हम लोग बाकी जगहों पे देखते थे हमें डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है वो देखने में मिलेगी। डोडा, खिताई चिनाब या कश्तवाड़ की बात हम करें, भद्रवाह की बात करें, डोडा की बात करें या रामबन की बात करें, हमेशा लोगों को जो है एक बहुत बड़ा बहरान उनका ये रहा था कि उनको यहाँ से जो है वो जम्मू जाना पड़ता था या कश्मीर जाना पड़ता था। लेकिन आने वाले वक्त में है शायद 1 साल के अंदर ही डोडा के लोगों को मेडिकल कॉलेज जो है वो डोडा में नसीब होगा, जहाँ पर वो अपनी मुसीबतों को, अपनी बीमारियों को जो है वो दूर कर सकते हैं। डॉक्टर हर किस्म की बीमारी का जो है यहाँ पर दस्तियाब होगा। मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, इसमें जो है बहुत बड़ा काम जो है वो हो रहा है। लेकिन कोरोना के इस कहर में भी इस मेडिकल कॉलेज का काम जो है वो जारी रहा। यहाँ के मज़दूर तबका ने जो है वो बड़ी ही मेहनत से जो है वो काम किया। ठेकेदारों के शाना बशाना वो खड़े होकर जो है इस बिल्डिंग को तैयार करने में जो है उनके साथ रहे। एक तरफ से ये बिल्डिंग जो तैयार होने जा रही है, या लगभग हम अगर ये कहें कि 7 या 8 महीनों के अंदर इस बिल्डिंग को जो है वो तैयार किया जाएगा, ये न सिर्फ डोडा के लोगों के लिए बल्कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, वो आपको दिखाएंगे कि ये एरिया जो है काफ़ी यहाँ पर पहाड़ों से घिरा हुआ है। दूर दराज इलाकों से जो है यहाँ पर लोगों को आना पड़ता था पहले। कई तो ऐसी जगहें भी यहाँ पर हैं जहाँ शायद पहले जो है वो, या आज भी जो है वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं है। वहाँ से लोगों को जो है पहले डोडा आना पड़ता था, यहाँ से उनको जो है वो जम्मू या कश्मीर जाना पड़ता था। ये हर तबके के लिए, हर छोटे या बड़े के लिए, अमीर या गरीब के लिए गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो एक तोहफा है। 100 करोड़ की लागत से जो है ये बिल्डिंग जो है वो तैयार होने जा रही है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, दोबारा फिर आपके सामने किसी नई खबर के साथ रूबरू होंगे।